हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे करना है और उसके पीछे लॉजिक क्या है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के माध्यम से हम कैसे यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, पोजीशन लेते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। मैंने आज एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर मैंने यहाँ पर सेल किया है। देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है और मैं कौन से बेस के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ, चलो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड ले चुका हूँ, 2253 के यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया हूँ मैंने फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे देखते हैं टारगेट में लगा के लगाने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 2217 देखते टारगेट मेरा। स्कैल्प ट्रेड में देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करना है। स्कैल्प ट्रेड में मिनिमम ट्रेड के हिसाब से ही लेना है, मिनिमम प्रॉफिट के हिसाब से ही लेना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने की वजह यह है कि फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं चार्ट के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे टारगेट लगा के देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे 2247 ठीक है, रहने दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखते हैं हम कि फिर से रिवर्सल हुआ है कि देखते हैं। मैं 5 मिनट कैंडल के यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशन कैसे लेना है और यहाँ पे स्कैल्प करने के लिए पोजीशन है या नहीं, वो भी हमें देखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कैंडल्स, 3 रेड कैंडल बना हुआ है आज के दिन में, सब रिजेक्शन आया है। पहला भी रिजेक्शन आया है, सेकंड भी रिजेक्शन आया है और थर्ड भी रिजेक्शन दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे पोजीशन अपना है +300 के आसपास है, ठीक है। हम यहाँ पे चार्ट में अगर ध्यान देना ज़रूरी है फ्रेंड्स, कैसे मोमेंटम हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आज यहाँ पे देखिए 9:33 हुआ है अभी तक और यहाँ पे मैंने 15 मिनट कैंडल के हिसाब से देख रहा हूँ कि मार्केट मोमेंटम कैसे कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, मुझे तो आज लग रहा है मार्केट बेरिश ही रहेगा, सो इसकी वजह से पहला ही कैंडल रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। मैं अभी यह 1 मिनट कैंडल के यहाँ पे देखता हूँ कि कैसे मोमेंटम हो रहा है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मोमेंटम तो यहाँ पे मे भी रिजेक्शन हो सकता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक चैनल दिख रहा है, चैनल के माध्यम से अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैनल बनाया हुआ है फ्रेंड्स, अभी 9:51 हुआ है टाइम, 9:51 हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सब जगह रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन, 5 कैंडल रिजेक्शन हुआ है फ्रेंड्स। तो मे भी यहाँ पे हो सकता है फॉल होने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। मैं यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा नहीं लूँगा, तो मेरे को जितना प्रॉफिट चाहिए उसके हिसाब से मैं यहाँ पे पोजीशन कट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए अभी मैंने पोजीशन निकाल भी दिया। ओके, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए टारगेट भी हिट हो चुका है 187 के आसपास, जो मैंने टारगेट ऑलरेडी लगा के रख चुका था, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, कितना पॉइंट्स हुआ है यहाँ पे देखिए, 66 पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। 66 पॉइंट मैंने यहाँ पे पहला टारगेट ले लिया हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर और एक मोमेंटम मिला तो हम कोशिश करेंगे फिर पोजीशन लेने के लिए। देखते हैं फ्रेंड्स अभी क्या बोलता है चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़बरदस्त रिजेक्शन हुआ है, 7 कैंडल्स रिजेक्शन के जैसा चल रहा है फ्रेंड्स। 5 मिनट के कैंडल में अगर देखेंगे तो सभी कैंडल रिजेक्शन दिया है। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़बरदस्त मोमेंटम हुआ है। तो शॉर्ट के लिए पोजीशन सही पोजीशन था ये, और पीवट के पास ही यहाँ पे बेरिश कैंडल सब फाइंड हुआ है फ्रेंड्स, ज़बरदस्त मोमेंटम हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 66 पॉइंट यहाँ पे मैंने बुक किया है,
और ओवरऑल यहाँ पे मैंने एक ही लॉट लिया लिया यहाँ पे देखिए 1650 यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। ओके नेट पोजीशन पे अगर यहाँ देखा जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स आज के दिन एक ही पोजीशन लिया हूँ मैंने, वो है 1650 एक ही लॉट यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया हूँ। ओके फ्रेंड्स ये हो गया अपना ट्रेड, अभी देखते हैं सेकेंड ट्रेड के लिए मैं कोशिश करता हूँ पोजीशन मिलता है या नहीं। ओके फ्रेंड चलो अभी देखते हैं मार्केट कहाँ पहुँचा है, अभी चल रहा है 953। ओके मैं आपको अपडेट करूँगा फ्रेंड्स पोजीशन अगर मिला तो। ठीक है फ्रेंड्स और यहाँ पे देखिए मैंने सब एग्जीबिशन किया है कि नहीं यहाँ पे चेक करना है कंपलसरी। ओके फ्रेंड्स चलो अभी देखते हैं आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी 957 चल रहा है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक कैंडल रिवर्सल मोमेंटम दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पिवोट है वहाँ पे रेसिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है। जो ब्लू लाइन वहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स ये लाइन, हाँ ये ब्लू लाइन जो है यहाँ पे दिख रहा है वो मेरे हिसाब से रेसिस्टेंस के जैसा काम करेगा डेफिनेटली, तो मैं पोजिशन लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे पोजिशन लूँगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैं 222 में लगाया हूँ, यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कैसा मोमेंटम कर रहे हैं। 5 मिनट कैंडल में यहाँ पे सेटअप किया हो और यहाँ पे मैं 222 333 ठीक है मैं पोजीशन ले सकता हूँ, नहीं 222 नहीं ऊपर तक नहीं जा रहा फ्रेंड, मैं 222 333 पे यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए कोशिश करूँगा। ओके 222 6 आ गए फ्रेंड्स वहाँ पे, देखिए फ्रेंड ने पोजीशन ले लिया यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स अभी यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे 222 77 में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ फ्रेंड्स 222 76। ठीक है फ्रेंड्स स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाना है, स्टॉप लॉस के बाद ही हम टारगेट के हिसाब से हम लगा देंगे फ्रेंड्स। अभी मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है देखिए फ्रेंड 222 77 मैंने यहाँ पे लगा दिया फिर कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। एक्चुअल मैं कैरी फॉरवर्ड में किया था, अभी इंट्राडे में मैं ये करता हूँ यस स्टॉप लॉस। एक्चुअली सब देखना जरूरी है फ्रेंड्स, मैंने प्रोडक्ट टाइप जो है इंट्राडे कैरी फॉरवर्ड लगाया था, एक्चुअली इंट्राडे लगाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स ये हो गया SL लगा दिया फ्रेंड्स मैंने, ठीक है अभी चल रहा है 2000 के आसपास प्रॉफिट। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया था ये जो ब्लू लाइन है डेफिनेटली रेसिस्टेंस के ऐसा काम करेगा तो वैसे ही काम कर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए अभी चल रहा है 10 बजा है, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इतना ज़बरदस्त मोमेंटम हुआ है। ओके यहाँ पे हम देखते हैं कितना प्रॉफिट चल रहा है, 2100 प्रॉफिट चल रहा है फ्रेंड्स। ओके देखते अपना टारगेट यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मोमेंटम होता है तो नीचे की तरफ डेफिनेटली हम पोजीशन निकाल देंगे, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाने का फ्रेंड्स। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में मैक्सिमम 30 से 50 पॉइंट्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि स्कैल्पिंग में फ्रेंड्स यहाँ पे 1 मिनट और 5 मिनट के कैंडल में ही हम ट्रेड लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त रिजेक्शन हुआ है, तो रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बोला था कि ब्लू कैंडल जो है ब्लू लाइन जो है वो रेजिस्टेंस के ऐसा काम करेगा, तो वैसे ही 3 कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ फ्रेंड्स, 4th कैंडल भी रेड कैंडल बनने की कोशिश कर रही है। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं पोजीशन निकालने के लिए, टारगेट तो अभी तक हमने नहीं लगाया है, देखते हैं फ्रेंड्स क्या करता है यहाँ पे मार्केट कहाँ तक पहुँचता है। ठीक है फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पे टारगेट लगाएंगे 187। ओके फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे देख सपोर्टेबल कहाँ पे 173 है, नीचे सबसे लो किया है तो उसके ऊपर ही हम टारगेट लगा देंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है रिवर्सल अगर होता है तो उसके ऊपर से ही रिवर्सल होता है जो डे लो किया है फ्रेंड्स, तो मैं इसके हिसाब से जो डे लो है उसके ऊपर मैंने टारगेट लगा के रखा हूँ। देखते हैं फ्रेंड्स अभी 4 कैंडल रिजेक्शन हुआ है, 5वां कैंडल क्या बोलता है देखते हैं फ्रेंड्स। 1 मिनट कैंडल यहाँ पे मैंने लगाया हुआ, 1 मिनट कैंडल के हिसाब से हम देखते हैं कि पोजीशन क्या होता है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रेड कैंडल बना हुआ है, पांचवा कैंडल। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ कहाँ तक पहुँचेगा। चलो अभी 5 मिनट की कैंडल में हम देखते हैं कि ये कौन सा कैंडल बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पूरा सेलिंग कैंडल ही बना हुआ है अभी तक तो। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे पोजीशन अपना टारगेट अचीव हो गया कि नहीं। 22183 18। ठीक है, अभी तक तो 22,200 के पास ही चल रहा। मुझे लगता नहीं ये नीचे आएगा। तो अगर कैंडल इनसाइड कैंडल अगर तैयार होता है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली ऊपर जाने की संभावना है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा रिस्की नहीं ले सकता, तो कोशिश करूँगा तो जल्दी निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते 195 आया है, 195 चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, 193 में लगा दूँगा, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का फ्रेंड्स। 193 191, ओके 191 चला गया फ्रेंड्स, अपना टारगेट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 10:03 के यहाँ पे मैंने टारगेट पोजीशन निकाल दिया फ्रेंड्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स कैसा अकोमोडेशन है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया था कि रिसेशन कैसा काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना पोजीशन निकाल दिया। दो पोजीशन हम लिया है, दो लॉट लिया है, उसने अपना 2475 अपना प्रॉफिट आपके सामने फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेड कौन से बुक किया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स मैंने दो ट्रेड वो भी दोनों शॉर्ट किया हो। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक 2253 पे शॉर्ट किया हो, 22187 पे टारगेट अपना अच्छा हुआ है, और 2244 पे फिर से शॉर्ट किया, फिर 2219 पर टारगेट कंप्लीट किया। एक में 66 पॉइंट लिया है, अब दूसरा कितना पॉइंट लिया अब यहाँ पे कैलकुलेटर के हिसाब से देखते हैं फ्रेंड्स कितना पॉइंट अपन अचीव किया है। ओके फ्रेंड्स, पहला टारगेट है 2219 4 33 points। सेकेंड अपना जो है सेकेंड पोजीशन जो लिया है वो 33 पॉइंट है, और पहला पोजीशन जो लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे 66, टोटल 99 पॉइंट्स हम यहाँ पे अचीव किया है फ्रेंड्स। अपना टारगेट दो लॉट में अपना 99 पॉइंट्स हम यहाँ पे ले लिया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स 2475 आपके सामने है, और इसके पीछे लॉजिक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए किस सब जगह पर रिजेक्शन 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 हुआ है। एक कैंडल जो है ब्लू कैंडल बना है, वो भी रेसिस्टेंट के पास आके फिर रिवर्सल हुआ है। तो डेफिनेटली मैं समझ चुका हूँ वहाँ पे कि रिवर्सल हो सकता है, इसके लिए मैं वहाँ पर फिर से सेकंड पोजीशन लिया हूँ। ओके फ्रेंड्स, एक हम ये लॉजिक के माध्यम से ही चलना है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के माध्यम से हमें पोजीशन लेना है, और उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से जो मार्केट ट्रेंड कहाँ पे वो ट्रेंड के माध्यम से हम पोजीशन लेना है। आज का ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट वहाँ पर बेरिश ही था, इसके वजह से मैंने पोजीशन लिया हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जो स्काल्पिंग जो किया हो स्काल्पिंग के हिसाब से मैंने पोजीशन लिया फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू।